हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ऑलराउंडर राखी। आज मैं आपको लेकर आई हूँ नान। ये देखिएगा, ये मैंने इतनी बड़ी कटोरी ये मैदा ले रखी है, ये दही है एक चम्मच बड़ा, ये नमक, ये छोटी चम्मच दो रिफाइंड ले रखा है, ये बेकिंग सोडा है और ये चीनी है, और मैंने ये एक कटोरी दूध ले रखा है। मैं पानी की जगह दूध का इस्तेमाल करूंगी नान में, और आपको तवे पर भी और तंदूर में भी नान बनाकर दिखाऊंगी। और उसके साथ मैं ये सब्जी बनाऊंगी, शिमला मिर्च प्याज टमाटर की। और इस सब्जी को मैंने नाम दिया है शिमला मिर्च दो प्याजा। इसमें मैं पनीर का इस्तेमाल नहीं करूंगी, ये मैंने शिमला मिर्च ले रखी है, ये प्याज ले रखा है, एक टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का मैं पेस्ट बनाऊंगी इसका। और बाकी जो मसाले हल्दी धनिया मिर्च कसूरी मेथी वगैरह लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस मैदा को लगा लेते हैं। ये देखिए, ये मैदा इसमें डाल लेती हूँ इस तरीके से, और इसमें ये दही जो ले रखा था मैंने उसको भी डाल लिया, और ये थोड़ा सा जो ऑयल ले रखा था, नमक, बेकिंग सोडा और थोड़ी सी चीनी है। अब इस दूध से मैं इसको मलती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट नान बनती है ये दूध से, मल के देखिएगा आप लोग। देखिए आटा रेडी हो गया है, इसको मैं एक दो घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारी सब्जियां मैंने अच्छे से धोई हुई हैं, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस की वजह से जो भी सब्जी वाला बाहर मैं लेती हूँ तो अच्छे से पहले मैं गर्म पानी से वॉश करके तब फ्रिज में इसको थोड़ी देर धूप लगा कर रखती हूँ। उसके बाद भी मैंने निकाली है, उसके बाद भी अभी धो ली है। अब इसको देखिएगा, प्याज के इस तरीके से चौकोर टुकड़ों में करके इसके इस तरह से पीसेस निकाल लेते हैं सारे, मैं इस तरीके से निकालूंगी। देखिएगा सारा प्याज इस तरीके से इसके एक एक कली निकालकर ये रखती हूँ मैं। इसको भी काट लेते हैं, ये प्याज मेरा देखिए रेडी है कट के, इसको भी हम चौकोर पीसेज में काटेंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए। तो फ्रेंड्स, मुझे आज पनीर नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने ये नई डिश बनाने की कोशिश की, और बहुत ही स्वादिष्ट पनीर देखिएगा आप लोग। अब मैं ये टमाटर पे बारीक बारीक अच्छे से काट लेती हूँ। और ये हरी मिर्च भी बारीक से काट लेती हूँ। देखिए सब्जी कट के रेडी है। ये देखिए अदरक और लहसुन, इसमें मैंने अच्छे से थोड़ा दरदरा कूट लिया है इसको, ये अदरक और लहसुन इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, सरसों का तेल में ये पक चुका है, अब इसमें जीरा डाल देती हूँ। जीरा और ये साथ थोड़ा सा गरम मसाला है, काली मिर्च ये साबुत डाली है थोड़ी मैंने, काली मिर्च क्यों डाली। इसके बाद मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ था ये डाल देती हूँ। देखिए अदरक लहसुन पेस्ट के बाद में ये शिमला मिर्च, शिमला मिर्च का
इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट की बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। देखिए शिमला मिर्च के डालने के बाद मैं ये इसमें प्याज मैंने छोटे छोटे पीसों में इस तरीके से चौकोर काटा हुआ था इसको भी डाल देती हूँ। इसको भी थोड़ा एक दो मिनट में इसी में भून लेते हैं। ये देखिए अब इसमें मैं ये कसूरी मेथी डाल देती हूँ। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है इसमें। और ये टमाटर तो भी एक दो मिनट इसमें पकाऊंगी, ये डल जाएंगे। टमाटर भी इसमें डलने लगा है। अब हम मसाले वगैरह डालेंगे इसमें। डालेंगे स्वाद अनुसार आप जैसे खाना चाहें। मैंने इसमें साबुत गर्म मसाला भी डाला था, ये टिका हुआ गर्म मसाला है। ये मैं घर पर ही पीसती हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये हल्दी पाउडर और ये नमक। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालती हूँ। गैस सिम कर देती हूँ। उसके बाद ये हल्का सा दो तीन मिनट तक पकाऊंगी इसको ढककर। ये देखिए पैन, उसमें मैं अब ये थोड़ी सी इसमें मलाई डालती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये सब्जी तैयार है, शिमला मिर्च दो प्याजा। देखिएगा अभी मैं नान बनाने की तैयारी करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने नान के लिए इस तरीके से मैं बेलूंगी इसको। और इसको इस तरीके से लंबा करके इस तरीके से देखिए। अब जिस तरफ से ये तवे पर डालनी है उधर से मैं हल्का सा इस तरीके से पानी लगाऊंगी। देखिए इसको मैं ये तवे पर डाल दिया। देखिए इधर इस तरीके से ये धनिया पत्ती, आप चाहें तो उस पर देसी घी या बटर लगा सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी इधर से ये सिकी हुई है इधर से। बाकी मैं ऐसे ये सेक लेती हूँ इस तरीके से। देखिए तंदूर से ज्यादा अच्छी तवे पर बनती है। तंदूर का मैंने इस्तेमाल नहीं करूंगी इस समय, आपको केवल तवे की ही सीख दिखाऊंगी नान। देखिए कितनी फर्स्ट क्लास एकदम। देखिए नान कितने अच्छे से मेरी तैयार हुई है। मैं दूसरी भी तैयार कर लेती हूँ। वैसे भी अब मैं ये दूसरी भी सेक लेती हूँ। ये देखिए मेरी नान रेडी है, कितनी अच्छी बहुत ही मुलायम देखिए सॉफ्ट नान तैयार हुई है। देखिएगा और इससे खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। और मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैंने इस पे बटर या घी कुछ भी नहीं लगाया है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है।
आप लोग चाहें तो नान पर बटर या घी लगा सकते हैं। थैंक यू।